आई विल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तुम्हें लगा हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहादुर का सारांश मिलेगा अपने शब्दों में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों आई विल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी न्यू वीडियो और न्यू नोट्स लाता रहता हूँ अपने भाषा में लिखा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये बताइए कि ये वीडियो कैसी है और आपको नोट्स मिला कि नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं PDF में लिंक डाल दिया हूँ, आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, ये बहादुर का सारांश है। जो बहादुर है उस पर ये पूरी कहानी है। इसको आप पढ़ के आसानी से कहानी लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ मिनट लगेंगे। दोस्तों ये मात्र 3 पेज की कहानी है, इसको हमने PDF में करके डाल दिया है। जैसे कि दोस्तों इस कहानी में जैसे कि यह है कि एक बहादुर रहता है, उसका पूरा नाम दिल बहादुर रहता है, जो पहाड़ी पे रहता है और नेपाली लड़का रहता है। ठीक है दोस्तों, वो इस कहानी में नायक है। ठीक है, और उसके पिता की मृत्यु हो जाती तो उसकी एक जो माँ रहती वो उसे बहुत पीटती रहती, क्योंकि वो उसे बहुत पीटती है तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। दोस्तों जब घर छोड़ के भागता है तो वो कहीं कार्य करता है, किसी घर पे रह के। ठीक है, जैसे नौकर बन गए। ठीक है, तो वहाँ पे सब काम करता है, जो भी काम घर का हो, झाड़ू पोछा बर्तन मांजना, मतलब हर काम करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वो देर रात तक काम भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर के बारे में कुछ कहानी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे वो काम करता है वो निर्मला नाम की एक औरत रहती है, जहाँ पे वो कार्य करता है वहाँ की वो मालकिन रहती है। जी हाँ दोस्तों, एक उसका लड़का भी रहता है, उस लड़के का नाम किशोर रहता है और वो बहुत बिगड़ा टाइप का लड़का रहता है। दोस्तों एक दिन निर्मला के घर ना कुछ लोग आते हैं मेहमान, ठीक है, और उन मेहमान का ना किशोर चोरी कर लेता है कुछ सामान, जिस कारण ना एग्जाम बहादुर पे आ जाता है। दोस्तों बहादुर पे जब आ जाता है एग्जाम, तो उसे बहुत घर वाले मतलब निर्मला उसे बहुत पीटती है और उसके पति भी बहुत पीटते हैं उनसे, और पीटते पीटते लास्ट में यह पता चलता है कि दोस्तों किशोर ही उसका ना वो सामान चोरी किया था, जो सोने का था। ठीक है दोस्तों, तो वो चोरी किया था। तब बाद में इन सबों को बहुत पछतावा होता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया, गलती कर दिया ये वो, और वो उस समय भाग जाता है। जब वो पीटते हैं सब ना, तभी वो भाग जाता है। तो बाद में इन सबों को पछतावा होता है, खूब ढूंढते नहीं मिलता है, आखिरकार वो सब सामान छोड़ के अपना भाग जाता है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। लंबी कहानी नहीं है उतनी, आप मात्र इसको 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। एक बार PDF में डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में, 1 मिनट क्या आपको 2 मिनट में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जब से जैसे आप पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे ही समझ में आती जाएगी, जैसे आम चाल भोल भाषा में ये लिखा गया है पूरा कहानी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई हार्ड वर्ड नहीं है कि जिसको आपको समझना पड़ेगा, इसको एकदम आराम से लिखा गया अपने भाषा में, ताकि आप समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उद्देश्य के साथ इसके इस कहानी का उद्देश्य क्या है, तो उसका भी मैं लिंक आपको PDF में दे दूंगा, जल्दी ही मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा अच्छी अच्छी जो आपको पढ़ने में मदद करेगी और आसान भाषा में और अपनी भाषा में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।